एक बहस इंडियन नेवी में काफी लंबे अरसे से चल रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर या सबमरीन, नेवी को किसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम भी आज आपको इसी सवाल का जवाब देंगे कि इंडियन नेवी को फ्यूचर में क्या सबमरीन बनाने चाहिए या नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी, स्वागत करता हूँ आपका इंडिया टॉक्स पर। सबसे पहले बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की। आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या यूज़ होता है? एयरक्राफ्ट कैरियर का मेन यूज़ होता है कि एयरक्राफ्ट्स को अपने ऊपर रखना और जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट को डायरेक्टली ना भेज सकें वहाँ पे एक एयर स्ट्राइक करवा देना। यानी अगर हमारे एयरक्राफ्ट में इतना ईंधन नहीं है कि वो सीधे उड़ के चीन तक पहुँच पाए तो हम उसे एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद से चीन के समुद्री सीमा के पास पहुँचाएंगे और वहाँ से वो उड़ान भर के सीधे चीन के ऊपर हमला करके वापस आ जाएंगे। ये चीज़ अमेरिका जैसे देश के मामले में तो सही लगता है क्योंकि उसके जो दुश्मन है यानी चीन और रूस, वो दोनों ही उसके सीमा से काफ़ी दूर है। इतने दूर उनके फाइटर जेट नहीं आ सकते हैं, इसीलिए अमेरिका को अपने फाइटर जेट को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लाद करके इनके पास रखना पड़ता है। पर दूसरी तरफ अगर भारत को देखें तो इनके दोनों ही दुश्मन यानी पाकिस्तान और चीन बिल्कुल हमारे सीमा के बगल में है, इसलिए हमारे फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर की मदद की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे इन दोनों देशों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर सकते हैं और ये दोनों देश बहुत ही आसानी से हमारे एयरक्राफ्ट के और मिसाइल के रेंज के अंडर में आते हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि इस मामले में एयरक्राफ्ट कैरियर की क्या ज़रूरत है भारत को। लेकिन इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का एक और काम होता है और वो है कि सी में टोटल डोमिनेंस बनाना, जैसा कि 1971 के युद्ध में किया गया था। 1971 में INS विक्रांत नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर के मदद से भारत ने ईस्ट पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेट कर दिया था, जिससे कि वेस्ट पाकिस्तान कोई भी सप्लाई को ईस्ट पाकिस्तान तक नहीं पहुंचा पा रहा था और इसी तरह से भारत ने इजीली बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी बांग्लादेश आज़ाद हो चुका है और उससे हमें ज़्यादा खतरा नहीं है। तो इस समय अगर हमें नेवल ब्लॉकेट करने की ज़रूरत है तो वो सिर्फ एक देश है, वो है पाकिस्तान। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमें दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी मिल चुके हैं, एक INS विक्रमादित्य और दूसरा INS विक्रांत जो कि आने वाला है। तो हम अपने दोनों छोरों को यानी एक तरफ बे ऑफ बंगाल को और दूसरी तरफ अरबियन सी को, दोनों को ही हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसीलिए हमें तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर यानी INS विशाल की ज़रूरत है या नहीं, इसके ऊपर बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। क्योंकि अगर INS विशाल के ऊपर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो उस टाइम और पैसे को हम नए सबमरीन्स बनाने के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं और भारत को 6-7 नए और एडवांस सबमरीन्स इसकी जगह पे मिल सकते हैं। और जहाँ तक अपने समुद्री सीमाओं को बचाने की बात है तो उसके लिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान से तो हमें कोई खासा खतरा नहीं है, हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर उसे आसानी से संभाल सकता है। और जहाँ तक बात रही चीन की, तो चीन से निपटने के लिए हमारे बे ऑफ बंगाल में ऑलरेडी बहुत सारे आइलैंड्स मौजूद हैं, जिनमें अंडमान और निकोबार आइलैंड सबसे प्रमुख है। अंडमान आइलैंड्स भारत के लिए एक बैरियर की तरह काम करता है, यानी किसी भी चीनी वेसल को अगर भारत के करीब आना है तो पहले अंडमान के पास से होकर के गुजरना पड़ेगा और वहीं पे उसे डिटेक्ट और मारा जा सकता है। तो भारत अपने नेवी के फाइटर जेट्स को और नेवी के P-8I पोसाइडन जैसे विमानों को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ना रखते हुए उन आइलैंड्स के ऊपर भी रख सकता है। या मैं पोसाइडन ही फाइटर जेट्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम इन फाइटर जेट्स को आइलैंड के ऊपर रख देते हैं तो ऑलरेडी हम वहाँ से उस पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं और वहाँ आने वाले किसी भी चाइनीज वेसल को हम बात कर सकते हैं। यानी भारत को सेल्फ डिफेंस के लिए किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमारे नेचुरल आइलैंड्स ही काफी हैं। और इसके अलावा अगर भारत चाहे तो आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना सकता है। भारत अपने चारों दिशाओं में छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना सकता है जो एक नेवी के आउटपोस्ट की तरह काम करेंगे। यानी इन आइलैंड्स में नगरे वाले जो रेडर्स होंगे वो चाइनीज नेवी के जितने भी वेसल्स होंगे उनके ऊपर नजर रखेंगे और कोई भी अगर भारतीय सीमा के करीब आता है तो भारत को इन्फॉर्म कर देंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि भारत को सेल्फ डिफेंस के लिए दो से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर की और कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात रही अगर दूसरे देश पर अटैक करने की, तो ये दिन अभी दूर है कि भारत अपने से दूर स्थित किसी देश के ऊपर अटैक करे, जैसे अमेरिका या फिर यूरोप। और भारत को इस बार जो सबसे ज़्यादा फिलहाल के लिए खतरा दिखता है वो चीन और पाकिस्तान से ही दिखता है, जो कि हमारे बिल्कुल पड़ोसी है। तो हमें दूर रेंज वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक अगर हम सबमरीन्स की बात करें तो सबमरीन्स एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं क्योंकि एक सबमरीन एक छोटे से टॉर्पीडो का इस्तेमाल करके एक इतने महंगे और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को मार के गिरा सकता है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि सबमरीन्स आजकल पानी के नीचे ही चलते हैं तो सबमरीन को ढूंढना और मार गिराना दिन पर दिन और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और फ्यूचर में अगर हम कभी प्लान करते हैं कि हम चाइना के जितने पोर्ट्स हैं उनके ऊपर जा करके चाइनीज नेवी को ध्वस्त करें तो इसके लिए तो एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रास्ते में ही मार के डुबाया जा सकता है। वहीं अगर हम सबमरीन्स की मदद लें तो हमारे सबमरीन्स चुपके से चाइना के करीब पहुँच सकते हैं और वहाँ पर मिसाइल्स मार करके चाइना के मेजर पोर्ट्स को और उनके नेवी के अड्डों को ध्वस्त कर सकते हैं। तो अटैक का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस हिसाब से सबमरीन कहीं ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कम्पेयर टू एयरक्राफ्ट कैरियर। और हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए तो ऑलरेडी हमारे आइलैंड्स और फिलहाल के जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये काफ़ी हैं।
तो अगर मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूं एक लाइन में, तो मेरा लाइन ये होगा कि भारत को इस वक्त दो से ज़्यादा यानी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं है, इसके जगह भारत को 8-10 नए और एडवांस्ड न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाने चाहिए। और एक बार अगर हम न्यूक्लियर सबमरीन्स बना लेते हैं, उसके बाद भी अगर हमारे पास फंड बचता है, तो हम उसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर ज़रूर बना सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमें अगर एक ग्लोबल नेवी के तौर पे बढ़ना है, तो शायद हमें फ्यूचर में जा कर के एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पड़े। पर मेरी राय में इंडियन नेवी को अभी नए सबमरीन्स और नए फाइटर जेट्स की ज़रूरत है, जिन्हें हम अपने आइलैंड्स पे रखें और इंडिया के कोस्टल एरिया में रख करके भारत के कोस्टल सीमाओं की सुरक्षा करें। आपका क्या मानना है, आप कमेंट में जाकर के अपनी राय पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप मेरे इस डिसीजन से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये भी आप नीचे जाके लिख सकते हैं, मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके इंडिया टॉक्स के पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।